हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ, दैट इज टिश्यूज। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टिश्यूज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, एंड व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट चैप्टर सेल में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी सेल का बना हुआ होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी जो है वो सेल से कंपोज्ड है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो सिर्फ आपके सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, तो उनमें भी बेसिक लाइफ प्रोसेस होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपना बेसिक लाइफ प्रोसेस सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म करता है, जैसे कि मूवमेंट हो गए, इनटेक ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो आपका सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म होता है। तो हम लोग इसमें अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं कि अमीबा कौन क्या है, आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी सिंगल सेल का बना हुआ होता है। तो ये जितने भी आपके बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं अमीबा अपने सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर सो होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर सो कहने का मतलब है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिफरेंट डिफरेंट सेल से कंपोज्ड है और हर सेल जो है एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सोज डिवीज़न ऑफ लेबर। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि आपका नर्व सेल्स होते हैं, तो नर्व सेल्स का काम क्या है, नर्व सेल्स जो है वो मैसेज को कैरी करते हैं, इम्पल्स कैरी करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लड सेल्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्लड सेल्स जो है वो आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और साथ साथ हार्मोन कैरी करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बॉडी में आपके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो ब्लड्स के थ्रू ही आपके बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट भी आपका ये कैरी करके आपका ले जाता है। तो ये जो है ब्लड सेल्स हो गए या नर्व सेल्स हो गए, तो ये इनका काम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। नर्व सेल्स का काम क्या है, इम्पल्स को कैरी करना। ब्लड सेल्स का क्या काम है, ऑक्सीजन कैरी करना, फूड कैरी करना, हार्मोन्स कैरी करना और वेस्ट मटेरियल को कैरी करना। तो देख रहे, दोनों का फंक्शंस जो है वो डिफर कर रहा है। उसी तरह एक और अगर हम एग्जांपल लेते हैं मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करना। हम मूवमेंट तभी कर पाते हैं जब हमारा मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका मसल सेल्स। अगर मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे तो हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। हम जो चल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, हैंड लिफ्ट कर रहे हैं, इन सारे के लिए जो है वो आपका मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और या रिलैक्स करते हैं तभी हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपके एनिमल सेल्स में देखा जाता है कि एनिमल सेल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बने हुए होते हैं और अलग अलग ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, तो प्लांट्स में आपका ब्लड नहीं है जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वगैरह को ये कैरी करेगा। तो प्लांट सेल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़, और वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपके फूड और वाटर को कैरी करते हैं। प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज़ जो है वो दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज़ का काम है वाटर और मिनरल्स को कैरी करना, और फ्लोएम टिश्यूज़ का काम है आपके जो फूड मटेरियल्स होते हैं जो लीफ सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो फूड मटेरियल को सारे पार्ट में फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो देख रहे हैं कि सारे जो वर्क आपका जो परफॉर्म हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, टिश्यूज़ के थ्रू हो रहे हैं। और टिश्यूज़ जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। तो टिश्यूज़ को हम कह सकते हैं टिश्यूज़ आर दी क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तब जाके टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी कोई टिश्यूज़ बनेंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स के सेल्स जब आप
आपस में कंबाइन करेंगे तभी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कि ये आपका एक स्फेरिकल सेल्स है, ये एक आपका स्पिंडल सेल है, तो ये आप ये जो आपके हैं या फिर और स्फेरिकल शेप हो गए या आपके कोई ओवल शेप के हैं या फिर आपके रेक्टेंगुलर शेप के सेल हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है वो कभी भी आपस में कंबाइन नहीं होंगे। अगर यहाँ पे अगर हम मसल सेल्स का एग्जांपल लेते हैं तो मसल सेल्स जो है वो आपके इस तरह के स्पिंडल शेप, जब आपके सेल आपस में इस तरह से कंबाइन करते हैं तब जाके ये मसल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मसल सेल्स में देखिए कि यहाँ पे जितने भी सेल्स जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो सारे सेल्स जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स के हैं, इसलिए टिश्यूज तभी फॉर्म करेगा जब सिमिलर टाइप्स के स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स जब आपस में ग्रुप होंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तब जाके टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। तो टिश्यूज को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो टिश्यूज को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स डैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यूज। टिश्यूज जो है वो क्या है? टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो आपके सिमिलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स जब आपस में कंबाइन करते ग्रुप्ड होते हैं और वो आपके टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो ये था आपका टिश्यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या प्लांट और एनिमल्स जो है वो सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बने हुए हैं।